नमस्कार। आज मैं आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में बताऊंगा कि मॉड्यूलर किचन कैसे हम डिज़ाइन करते हैं अपने घर के अंदर किचन में, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें मॉड्यूलर किचन के लिए। आप देख सकते हैं, ये है इनका पूरा जो मॉड्यूलर किचन बन चुकी है। इसे थोड़ा हम करीब से देखेंगे। जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवाने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी चिमनी की क्या पोजीशन होगी आपके स्लैब से जिस पे आप अपना गैस रखेंगे, और ये कहाँ मॉड्यूलर किचन के ये जो रैक बना रखे हैं कहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं घर की उनकी हाइट छोटी होती है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी डिज़ाइन करते समय। ऊपर भी देखिए आप, ये पूरा परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया। स्विच कहाँ होगा देखिए, स्विच नीचे की तरफ लगाया है हमने, ताकि इसे ऑन ऑफ करने में, चिमनी को ऑन ऑफ करने में कोई तकलीफ ना हो। ये रैक भी आप देख सकते हैं काफी नीचे हैं। एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि जो बर्तन धोने के बाद जो ये स्टैंड होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ये कवर कर रखा है। बहुत जगह ये लोग इस चीज को कवर नहीं करते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इसे कवर किया हुआ है, ताकि जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो कोई भी चीज ऑकवर्ड नहीं लगनी चाहिए, इसलिए इसमें कवर लगा रखा है हमने। आप देखेंगे किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छे से कर रखी है। ये देखिए, यहाँ पे आप कांच के बर्तन रखने के लिए यहाँ पे भी रैक बना के रखे हुए हैं। आप नीचे जाएंगे स्लैब के नीचे, ये सारे के सारे ड्रायर बना रखे हैं, ये सारे बर्तन रखने के लिए ही हैं। नीचे आप देखिए, ये भी सारे बर्तन रखने के लिए हैं। ये लास्ट वाला डस्टबिन के लिए है, या ये जो ऊपर सिंक आप देख रहे हैं इसका पाइप अंदर से गया हुआ है, यहाँ पे आप डस्टबिन देख सकते हैं। और इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बड़ी बड़ी थालियाँ रखने के लिए नीचे भी। तो आप अपने अनुसार से डिज़ाइन करा सकते हैं, जिसमें भी देखिए बर्तन आ सकते हैं नीचे भी है, हर तरीके के। गैस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ गैस कहाँ रखी जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर गैस आएगी। आप चाहे तो इसमें छेद भी करवा सकते हैं, ताकि गैस कभी लीक हो तो आपको पता चला जाए नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आप अपनी मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।